बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे और मेरे लिए भी, आमीन। आज का व्लॉग मेरा थोड़ा डिफरेंट है, आज है ज़रा घूमने से। तो हम लोग आए थे सिंदबाद। तो सिंदबाद असल में मेरे छोटे बेटे को और बच्ची को बहुत पसंद है। यहाँ की जो राइड हैं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। ये देखें, ये बाहर का व्यू है। यहाँ पर जो आप तस्वीरें बनाए, पोज बनाए, तो बहुत ज़बरदस्त आती हैं यहाँ पर। मैंने भी कोशिश करी थी अपनी छोटी बेटी की तस्वीरें लेने के लिए, लेकिन मजाल है जो वो एक दफ़ा मेरे हत्ते चढ़ी हो, बिल्कुल भी एक जगह खड़ी नहीं होती, कभी इधर कभी उधर। ये देखें, अभी भी देखें, हिल रही है, मुसलसल हिल रही है। जैसे ही मैं उसकी तस्वीर खींचती वैसी मेरी सारी तस्वीरें मेरी हिली थी उसकी तस्वीर खींचने के चक्कर में। बहरहाल मैंने एक आध तस्वीर उसकी ले ली, तो उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे। अंदर आने के बाद सबसे पहली राइड उसकी यही होती है, इस वाले में बहुत पसंद है उसको, ये हॉर्स वाला झूला उसको। जब वो थोड़ी छोटी थी तो हम उसको कप में बिठाते थे, लेकिन इस दफ़ा वो कह रही थी मुझे हॉर्स में बैठना है। खैर बोलना तो उसको आता नहीं है, लेकिन हॉर्स हॉर्स वो बोल लेती है। बाहर आ वहाँ पे बड़ों को तो अलाव है नहीं कि बड़ा ले कर उसको कोई पकड़ के खड़ा हो जाए। बाहर अल्लाह का नाम ले कर मैंने उसको बिठा दिया था। जब तक कि वो वहाँ पर झूले में बैठी थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए यहाँ का थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, यहाँ की थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। ये देखें, यहाँ पे प्लास्टिक वाले की शॉप थी, ये दुकानों की, यहाँ की प्लास्टिक के सामान की शॉप थी। ये बराबर में ये खिलौने वाले की शॉप थी, उसके बराबर में वहाँ पे चप्पल वाले की शॉप थी। सबसे ज़्यादा जो रश था यहाँ पे स्लीपर वाले की दुकान पर रश था। यहाँ पर हम लोग भी आए थे, यहाँ पर हम लोगों ने भी देखा था। असल में यहाँ पर चल रही थी ऑफ़र, दो जोड़ी चप्पल जो थी वो 500 की थी। खैर हमारी तो खैर समझ में नहीं आई। और इसके बाद ये याली शॉप थी, ये कप वाली की, आप कप में बनवा लें, अपने शर्ट पे बनवा लें। अलादीन आएँ, सिंदबाद आएँ और आप बच्चे आपके बैलून ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखें, ये ड्रैगन में भी हम लोग बैठे थे, लेकिन मैंने अंदर से बनाई नहीं इसकी, ये बहुत तेज़ चलता है, बहुत ज़्यादा तेज़, तो ये मैंने बाहर से ही ले ली थी। ये देखें, इस वाली राइड में भी बैठी थी। माशाल्लाह से जितनी भी छोटी राइड थी ना जो बच्चों के थी, सब में बैठी थी वो। जब पहले आई थी तो थोड़ा वो डर रही थी, लेकिन इस दफ़ा तो उसने माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेट किया, डरी नहीं ना वही रोई। ये देखें, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉर्स में आ गए थे, हॉर्स कह रही हूँ, ये एलिफेंट में आके बैठ गए थे हम लोग। इस दफ़ा यहाँ के झूले जो थे मुझे थोड़े तेज़ लगे पहले से, पता नहीं या तो मुझे लग रहे थे कि अल्लाह जाने तेज़ लगे थे। फिर मैंने कहा चलो इसमें बैठकर मैं आप लोगों के लिए पूरा व्यू लूँगी ऊपर से, बहुत अच्छा व्यू आता है, पूरा सिंदबाद जो है ना बेहतरीन आता है। ये देखें मेरे छोटे बेटे बैठे हुए, ये देखें इसमें भी ये फर्स्ट टाइम बैठी थी ये। असल में इसके बच्चे थोड़े बड़े थे, वो है थोड़ी छोटी। बहरहाल दिल उसका भी चाह रहा था, दिल मेरा भी चाह रहा था बैठाने का। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके मैंने उसको बैठा तो दिया। बहुत स्लिप हो रही थी, यहाँ वहाँ हो रही थी, लेकिन बहरहाल उसने मैनेज कर लिया। बहरहाल वो सेट रही, गिरी नहीं वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शिप में भी बैठी थी मैं, लेकिन शिप में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है डर। शिप में तो मैंने बनाई भी थी मैंने मूवी, लेकिन सही मेरी बनी नहीं, मुझे डर इतना लग रहा था। ये देखें, हम लोग सिंदबाद आएँ और थक चल चल के थकान हो जाती है, तो मैंने इनको बोला एक जगह आप लेके बैठ जाएं अपने शोर से, मैंने बोला, लेकिन वो तो कह रही चलो उठो चलो उठो। इस वाले झूले के लिए भाई जिसको चक्कर आता है वो ना बैठे, और जिसको मतली होती है वो भी ना बैठे। इसमें असल में चक्कर और मतली बहुत ही आती है बैठने के बाद। भारत अच्छा बहुत रखता है जब इंसान घूमने जाता है तो, जब और वो भी झूले वाली साइड पर, तो यहाँ के हर राइड में का अपना ही मज़ा है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ की राइड है, अच्छा लगता है। भारत देखिए, इसमें भी बैठने के बाद मैंने पूरा ऊपर का व्यू लिया था, मैंने कहा पूरा ऊपर का व्यू लूँगी, बहुत अच्छा आता है। और वो लोग दूसरे झूलों में चले गए, तो मैंने अपनी बेटी को, छोटी वाली को इसमें लेके बैठ, मैंने कहा चलो मैं उसको यहाँ बिठा देती हूँ, कह रही डग में बैठना, डग 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 कर रही थी।
इतने में मैंने कहा चले मैं फूड कोर्ट में आ जाती हूँ। फूड कोर्ट में मैंने आके देखा क्या है, क्या मिल रहा है खाने के लिए। मतलब खाने का तो यहाँ पे कुछ ज्यादा सामान था नहीं, बस यही शाम वाला ही आइटम था, गोलगप्पे, छोले, फ्रेंच फ्राई, यही सब चीज़ें थी। ये हम लोगों को इतना खास पसंद नहीं था रात के टाइम, तो मैंने कहा चले मैं मूवी बना लेती हूँ, आप लोग भी देख लेंगे। बाहर एक ज़माना, एक टाइम यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे इतना रश होता था, इतना रश होता था कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये देखिए आप, मैं ऊपर आ गई थी यहाँ पे ऊपर की, ये इत्तेफाक की बात है कि चूल्हा ये चल रहा था, मैं कहा चले बना लेती हूँ। तो मैं ये कह रही थी आपसे कि यहाँ पे इतना रश होता था कि एक एक राइड के लिए ना बंदे को आधा आधा घंटा यानी कि वो लाइन लगानी होती थी यहाँ पर। देखिए अब तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इतना रश नहीं था, आप बैठ टाइम मिल रहा था हम लोगों को ना राइड में बैठने का। ये देखें एंड में आके मैंने ऊपर से पूरा व्यू बनाया आप लोगों के लिए कि चले आप लोग देखेंगे यहाँ पे। और ये बराबर में ये फूड कोर्ट भी था, लेकिन हमारे समझ में आया नहीं था, हम लोगों ने अगर खाना बाहर खाया था। तो एंड में सबसे एंड में हम लोग बैठते हैं लॉक साइड में, ये देखें एंड में ये इसमें ज़रूर बैठती है इसके अंदर ना मेरी छोटी बेटी। एंड फिर हम लोग एंड में लॉक साइड में बैठे थे, फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मुलाकात होगी आप लोगों से किसी अच्छे से खाने की रेसिपी के साथ।